दोस्तों बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोरियोग्राफर वीरू देवगन अपने सहज व्यक्तित्व और साधारण जीवन के लिए जाने जाते थे। हाल ही में उनका निधन होने से पूरी इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। इसी बीच अजय देवगन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे बताते हैं कि एक बार पिताजी ने उन्हें लोगों की भीड़ के हमले से बचाया था। वीडियो के अनुसार एक बार 20-25 लोगों ने मिलकर अजय देवगन को मारा होता। इसके आगे वह साजिद की ओर इशारा करके कहते हैं कि क्या तुम्हें वह दिन याद है। इसके बाद साजिद बताते हैं उस दिन की पूरी कहानी। साजिद कहते हैं कि अजय देवगन के पास एक जीप थी जिसमें हम घूमने जाते थे। तभी एक दिन हॉलीडे होटल के सामने एक बच्चा पतंग के पीछे भागता हुआ अचानक जीप के सामने आ गया। अजय ने फुल स्पीड में ब्रेक लगाई। गलती अजय की बिल्कुल नहीं थी, बच्चे को लगी भी नहीं, लेकिन वह डर गया और जोर जोर से रोने लगा। आसपास लोग इकट्ठे हो गए। साजिद ने आगे कहा कि मुझे आज तक नहीं पता चला कि वहाँ लगभग 1000 लोग कहाँ से इकट्ठा हो गए और बहुत ही कम समय में उन्होंने हमें घेर लिया। हम सभी काफ़ी डर गए। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा अचानक सामने आ गया और उसे लगी भी नहीं, लेकिन वह लोग चिल्लाने लगे, उतरो उतरो, तुम अमीर लोग गाड़ी तेज चलाते हो। और देखते ही उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। तभी अचानक वीरू सर तकरीबन 200 फाइटर के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। उन्होंने चिल्लाया कि मेरे बेटे को किसने हाथ लगाया। उनके चिल्लाने पर सब चुप हो गए। बता दें कि अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का 27 मई को निधन हो गया। वीरू देवगन बॉलीवुड के मशहूर स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर थे। We'll be right back.